क्वेश्चन नंबर तीन देखना है। क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन क्या है? क्वेश्चन नंबर तीन है आकृति 6.41 में यदि AB समांतर DE, कोण BAC बराबर 35, कोण CDE बराबर 53 है, तो कोण DCE ज्ञात कीजिए। ये आपकी आकृति बनी हुई है, ये आपका यहाँ पे है AB, ये AB है और यहाँ पे आपको ये तो AB, यहाँ पे C और यहाँ पे D और यहाँ पे E, आपको इसे क्या है 35 और यहाँ पे क्या है 53, आपको कोण ज्ञात करना है, कोण DC ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कोण DCE, ज्ञात करना है आपको कोण DCE का मान, DCE का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम गणना की बात करते हैं तो गणना में आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको जिस कोण को ज्ञात करना है वह कोण आपका DCE है, यह कोण आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ये मालूम है कि AB जो है, AB समांतर किसके है? DE। AB समांतर DE, क्योंकि AB समांतर DE और तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा AB और तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा AB, तिर्यक रेखा ए ई, तिर्यक रेखा ए ई इन्हें काटती है, ए ई इन्हें काटती है। अगर इन्हें काटती है तो इनके एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर। इसलिए कोण आप कह सकते हैं कि कोण ए ई डी, इसलिए कोण ए ई डी का मान किसके बराबर होगा? कोण ए ई डी का मान कोण बी ए ई, कोण बी ए सी के बराबर होगा। ऐसा क्यों? ऐसा एक ही कारण है, एकांतर कोण है। कैसा कोण है? एकांतर कोण है, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोण ए ई डी, तो कोण ए ई डी बराबर कितना होगा कोण बी ए सी का मान कितना हुआ? 35। तो ये हो गया। अच्छा, कोण AED को आप एक नाम और दे सकते हैं, चाहे तो इसे दे सकते कोण DEC, माने कोण AED, AED को आप कह सकते हैं क्या? कोण DEC, कोण DEC, DEC। यहाँ पे देखिए कोण AED का मान कितना है? 35। तो कोण DEC का मान कितना हो गया? 35। तो एक कोण तो आपका ये हो गया। इसके बाद जो है, अब आपको देखना क्या है कि त्रिभुज CDE, अगर हम त्रिभुज CDE की बात करें, किसकी? त्रिभुज CDE, तो CDE में आपने पढ़ा भी होगा त्रिभुज CDE, CDE माने त्रिभुज में तीनों अंतर कोणों का योग कितने अंश होता है? 180 है। त्रिभुज DCE में अगर बात करते हैं तीनों अंतर कोणों का, तो यहाँ पे पहले तो आप क्या लिखेंगे? कोण DCE, कोण DCE प्लस क्या लिखेंगे? DEC प्लस कोण DEC और प्लस कोण क्या होगा? DCE और CDE, तीनों कोणों का योग कितने अंश हो जाएगा? 180 अंश। यहाँ पे आपकी DCE का मान कितना है आपको ज्ञात करना है, DEC का मान कितना है, DEC का मान आपको कितना दिया? 35 अंश, और CDE का मान कितना दिया? CDE का मान कितना दिया है? 53 अंश, बराबर कितने के? 180 अंश। यहाँ पे कोण क्या होगा? DCE, आप जोड़ लीजिए कोण DCE और यहाँ पे 5 3 8 88 बराबर कितना हुआ? 180। भेज दीजिए
DCE बराबर कितना होगा 180 - 88। यहाँ पे हो जाएगा वो DCE बराबर कितना 10 से 8 गए 9। यहाँ पे DCE का मान कितना हो गया 12। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है आकृति 6.42 चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखते हैं आकृति 6.42 में यदि PQ और RX बिंदु P पर इस प्रकार अभिक्षेपित करते हैं कि कोण PRT बराबर 40 है, कोण RPT बराबर 95 है, कोण TSQ बराबर 75 है और SPT को ज्ञात करना है। आप फिगर देखिए, यहाँ पे फिगर आपका बना है। तो एक तो रेखा ऐसे है, इसके बाद एक रेखा ऐसे, यहाँ पे आपका ये बना हुआ है, ये आपका है PRT, P, R और यहाँ पे है T। इसके बाद ये आपका बना हुआ है, ये है PQ, यहाँ पे और यहाँ पे x। इसका मतलब यहाँ पे कितना है 95 अंश और यहाँ पे कितना है 40 अंश, यहाँ पे कितना है 75 अंश और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? कोण यस टी टी आपको ज्ञात करना है, कोण यस टी टी, यस क्यू टी, यह आपको क्या करना है। सर्वप्रथम आपको ये देखना होगा कि इस फिगर से अगर आप देखें फिगर या तो त्रिभुज पीआरटी को देखें, त्रिभुज यहाँ पे गणना में सबसे पहले त्रिभुज पीआरटी को देखें, त्रिभुज पीआरटी, त्रिभुज पीआरटी में अगर आप देखते हैं इनके तीनों अंतर कोण का योग कितने होता है 180। तो देखिए कोण P प्लस कोण R और प्लस कोण PTR, कोण PTR बराबर कितने अंश का होता है 180 अंश, कोण P का मान कितना 95 अंश, कोण R का मान कितना 40 अंश और प्लस कोण PTR बराबर कितने अंश होगा 180 अंश। यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 + 4 कितना होगा 13 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो कोण PTR बराबर कितना होगा 180 अंश। आप यदि पक्षांतर कर देंगे तो कोण PTR, कोण PTR बराबर कितना होगा 180 अंश, इसको भेजेंगे तो कितना होगा 135 अंश। आप यहाँ पे घटा देंगे तो कोण PTR बराबर कितना होगा 10 में से 5 गुणे 5 और ये कोण कितने का हो गया 45। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि आपकी PQ रेखा RS को T बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि आप रेखा PQ तथा RS, रेखा PQ तथा आरएस बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, पी पर प्रतिच्छेद करती है, पी पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो इनके शीर्षक बिंदु कोण क्या होंगे बराबर होंगे। इसलिए आप कह सकते हैं कि कोण QTS कोण QTS बराबर होगा कोण RPTR, कोण PTR। इन्हें आप क्या कहेंगे? शीर्षा द्विमुख कोण। इन्हें आप क्या कहेंगे? शीर्षा द्विमुख कोण। शीर्षा द्विमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पे आप कोण QTS को ज्ञात कर सकते हैं PTR। PTR की वैल्यू कितनी है 45। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
45 अंश। तो यह कोण तो आपका 45 अंश हो गया ये। अब आपको Q की वैल्यू निकालनी है, इस कोण की आपको निकालनी है। तो त्रिभुज QTS में, त्रिभुज QTS में आपने देखा होगा कि इनके तीनों तत्वों का योग कितने हो जाएगा 180। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, SQP। यहाँ पे लिख लेंगे SQP प्लस क्या लिखेंगे, SQP प्लस क्या लिखेंगे, QTS प्लस कोण QTS और प्लस कोण क्या लिखेंगे, SQP हो गया है प्लस TSQ, TSQ प्लस कोण TSQ बराबर कितने 180। यहाँ पे देखिए SQP SQP की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपको QTS का मान कितना है, QTS का मान आपको मालूम हो गया शीर्ष बिंदुओं से। तो ये QTS का मान कितना है 45। तो देखिए SQP के मान तो आप निकाल ली है, यहाँ पे हुआ 35। TSQ का मान कितना है, TSQ का मान आपको मालूम है 75। तो यहाँ पे आपका 75 बराबर कितना हुआ 180। अगर यहाँ पे बात करें SQP की, SQP 5 कितना हुआ 10, 4 4 11 कितना हुआ 12, 120 बराबर कितना 180। आपसे ये थे यहाँ पे कितना हुआ SQP बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120। यहाँ पे कोण SQP का मान कितना हो जाएगा 60। तो ये आपको कैलकुलेशन में लेना था, SQP का मान कितना होता है 60। और अब एक प्रश्न और है, उनको भी आप इसी समय देखें और ये अंतिम प्रश्न है आज के इस श्रृंखला में, अंतिम प्रश्न पांचवा प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है आज के लिए पांच। कहते हैं PQ लंब है PS, पहले तो फिगर देख लीजिए, ये आपके फिगर आपके पुस्तक में है और ये P है 90 अंश, Q है इसके बाद S, यहाँ पे ये आपको खींचा है। तो यहाँ पे आपको जो है R हो जाएगा, यहाँ पे आपका X है, यहाँ पे आपका Y है और ये कोण आपका 28 है। आपको ये कोण दिया है 65। आपको ज्ञात क्या करना है, ये आपको ज्ञात करना है कितने का x का, क्या ज्ञात करना है x का और y का मान। चलिए यहाँ पे देखिए सीधी सीधी गणना है, आप ऐसे समझ लीजिए कि गणना त्रिभुज PQS, त्रिभुज PQS में आपने देखा कि PQ PS जो है PQ पर लंब है, तो कोण आपका P, कोण P प्लस कोण PQS प्लस कोण PQS प्लस कोण PSQ बराबर कितने का, बराबर कितने का 180। कोण P का मान आपको कितना मालूम 90, PQS का मान कितना मालूम x और PSQ का मान कितना मालूम y बराबर कितने 180। इनको आप भेज दें x plus y बराबर कितना होता है 180 माइनस 90। तो यहाँ पे x plus y बराबर कितना हो गया 90 अंश, समीकरण नंबर 3। दूसरी बात आपको मालूम है कि ये PQ जो है ये किसके समांतर है, PQ किसके समांतर है, PQ जो है SR के समांतर है, किसके समांतर SR, यहाँ पे लिखोगे क्योंकि ये जो PQ है SR के समांतर है, SR PQ समांतर SR
और तिर्यक रेखा QS तथा तिर्यक रेखा QS, तिर्यक रेखा आपकी जो है QS इन्हें प्रतिच्छेद करती है। तो इनके एकांतर कोण क्या होंगे बराबर, इनके एकांतर कोण क्या होंगे बराबर मिस क्यू एस आर, इसलिए कोण क्यू एस आर बराबर होगा PQS। आप क्या कहते हैं एकांतर कोण, क्या कहते हैं एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो यहाँ पे QSR आपको मालूम करना है और ये x है, कोण QSR ये कितना है PQS हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, तो यह कोण x हो गया। अब यहाँ पे आपको जो है पहले तो ये निकालना होगा कोण QPS, QPS। देखिए कोण आप क्या निकालेंगे है QRS प्लस QRT QRT का योग कितने अंश होता 180। QRS का मान आपको निकालना है, QRT का मान देखिए QRS प्लस QRT का मान कितना है 65 अंश बराबर कितने है 180। यहाँ पे देखिए QRS बराबर कितना होगा 180 अंश माइनस 65। यहाँ पे देखिए QRS का मान कितना होगा 10 में से 5 गए 5 7 में 6 गए 115। तो आपने देखा QRS का भी मान आपको मिल गया, QRS का मान कितना आ गया 115। अब देखिए त्रिभुज QRS में अगर देखा जाए त्रिभुज QRS में आपने देखा होगा कि तीनों अंतर कोणों का योग कितने अंश होता 180। तो यहाँ पे देखिए x कितना है, x नहीं पहले तो नाम लिखेंगे QSR, कोण QSR प्लस कोण SQR प्लस कोण SQR और प्लस कोण क्या SQR प्लस कोण QRS प्लस कोण QRS का योग कितने अंश होता 180 है। यहाँ पे QSR की वैल्यू कोण अंश आपने मान ही लिया है, SQR की वैल्यू कितना आपने माना 28 अंश दिया है और इसके बाद आपने 115 इनटू निकाला बराबर कितने का 180 आपने जोड़े तो यस प्लस 5 8 13 और यहाँ पे 2 1 3 4 और बराबर कितने की 180। आप इसे फिर दें तो यस बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 143। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना होगा 10 में से 3 गए 7 और यहाँ 7 में से 6 4 गए 3 तो x का मान कितना हो गया 37। अब समीकरण 1 से आप देखिए x प्लस y बराबर कितने का 90। यहाँ पे x का मान कितना है 37, कितना है 37 प्लस y बराबर कितना है 90। y बराबर कितना है 90 माइनस 37। तो यहाँ पे y बराबर कितना 10 में 7 गए 3 और यहाँ पे 8 में 3 गए 5 तो ये बात की बात। तो इस तरह से आज